Assalamualaikum, my dear students. My name is K. Lanjum. I am your physics teacher. Today we will discuss chapter number 6 about work and energy. You know it very well कि energy के बगैर किसी भी का work को करना मुमकिन नहीं है. Meaning कि work और energy एक direct relationship है. जितनी energy हमारे अंदर ज्यादा होगी उतना ही हम लोग work कर सकेंगे. अगर energy कम होगी तो हम work सही तरीके से नहीं कर सकेंगे. यहाँ पर हम define करते हैं work. वर्क का लफ्जी मतलब काम होता है. आम तौर में अगर कोई इंसान ऑफिस में बैठा है तो वो काम कर रहा है. इसी तरह कोई मजदूर अगर काम कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो काम कर रहा है. लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क कब होता है? फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क तब होता है जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे. दैट इज नोन एज वर्क. It means we define work. Work is done when a force acting on a body displaces it in the direction of force. Work done to have उसको हम W से represent करते हैं, force को हम F से represent करते हैं, displacement को हम S से. It means work done is equal to होगा force multiply displacement. Work done की जगह W आ जाएगा, force की जगह F आ जाएगा, displacement की जगह S आ जाएगा. यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर वर्क जो है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर. फोर्स अगर ग्रेटर होगी तो वर्क भी ग्रेटर होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर ज्यादा होगा तो वर्क भी ग्रेटर होगा. इसकी हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं, एक हैवी मैस है. हैवी मैस पर जब आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो कम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा. इट मीन के वर्क जो है कम होगा. इसी तरह कोई स्मॉलर मैस है उस पर आप फोर्स लगाएंगे वो कम डिस्प्लेसमेंट करेगा, वर्क जो है वो कम होगा. पहले केस में वर्क ज्यादा कम था, दूसरे केस में जो है मैस कम होने की वजह से फोर्स लगेगी और वर्क ज्यादा होगा. यहाँ पर हम एक बॉडी लेते हैं उसका मैस है एम. हम लोग क्या करते हैं उस पर फोर्स लगाते हैं. फोर्स लगाते हैं जब तो वो जो बॉडी है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी. इट मीन ये मैस यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एस ट्रेवल करके है और यहाँ पर हमने जो बॉडी है उस पर अगर हम लोग इसको फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी स्टॉप हो जाएगी. इट मीन वर्क जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के ट्रेवल करने की वजह से हुआ. यहाँ पर इस केस के अंदर हम लोगों ने यह बताया कि जब हम लोगों ने किसी बॉडी पर फोर्स लगाई तो उसी डायरेक्शन में उसमें डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया. इसको हम वर्क से डिवाइड करते हैं W = F / S. इसी तरह वर्क को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड वर्क. अब यहाँ पर एक और केस लेते हैं. उस केस में हम ये करते हैं कि हम लोगों के पास एक मैस है M, हम लोग इस पर एक फोर्स लगाते हैं, फोर्स को हम लोग F से नोट करते हैं. बॉडी जो है वो बहुत हैवी है, जब हम फोर्स लगाएंगे तो हमने पिछले केस में पढ़ा है कि बॉडी को जो है उसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना चाहिए. लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि बॉडी जो हैवी है, फोर्स लगाने से वो बॉडी जो है वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं करती. जब इस तरह का केस है वो बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल ना करे तो फिर हम लोग उस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिसॉल्व करते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस. अलोंग एक्स एक्सिस जो फोर्स होगी दैट इज नोन एज एफ एक्स और जो अलोंग वाई एक्सिस फोर्स होगी उसको हम एफ वाई का नाम देंगे. इट मीन के फोर्स को हम लोगों ने इनके दो कंपोनेंट में डिसॉल्व किया, एक एफ एक्स में और एक एफ वाई में. एफ एक्स जो होता है वो हमारा होता है एफ कॉस थीटा के इक्वल और एफ वाई जो होता है वो एफ साइन थीटा के इक्वल. ये हम चैप्टर नंबर 4 में भी रेगुलेशन ऑफ फोर्सेस में पढ़ा हुआ है. यहाँ पर मैंने भी लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा. इट मीन हमने पिछले केस में पढ़ा था डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एफ एक्स के. यहाँ पर हमने एफ एक्स कंपोनेंट क्यों लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है एफ एक्स कंपोनेंट की तरफ. इसलिए हम लोगों ने f की जगह एफ एक्स लिया. एफ वाई कंपोनेंट इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं हो रहा. इट मीन एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा के इक्वल. यहाँ पर एंगल क्यों आया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्योंकि डिफरेंट है, इस वजह से एंगल जो बनेगा वो यहाँ पर हम थीटा लेंगे. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. इट मीन फैक्टर दो वर्क की अब हम बात करते हैं. पहले पिछले केस में जब वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में थी तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वर्क डिपेंड कर रहा था. जब केस डिफरेंट होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं होंगे तो फिर फार्मूला हमारा बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा. इट मीन वर्क जो है फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट पर और जो इनके दरमियान एंगल होगा लॉन्ग एक्सिस के
साथ उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, हमारे पास जो यूनिट ऑफ वर्क होता है वो वर्क का यूनिट जाउल होता है, इतनी 1 जाउल जो होता है 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। अमाउंट ऑफ वर्क का 1 जाउल कब होगा, जब आप किसी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे और वो बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस पे उस फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करे। इस तरह इसके बड़े यूनिट्स क्या हैं, 1 किलो जाउल 1000 जाउल के इक्वल है, दैट इज 10 टू द पावर 3, 1 मेगा जाउल 1 लैक जाउल के इक्वल है, 10 टू द पावर 6 जाउल लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक साइड इंफॉर्मेशन है, उस साइड इंफॉर्मेशन में हम देखते हैं कि बॉक्स जो है, बॉक्स इज मूव्ड बाय पुलिंग द रोप अटैच्ड टू इट, इट मूव्स 10 मीटर ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, हाउ मच वर्क विल बी डन। पहले केस में हमने बताना है कि रोप जो है वो रोड के पैरेलल है, दूसरे केस में रोप जो है वो मेकिंग एंगल थीटा विद द रोड निकाल है, दोनों केसेस में हम लोगों ने वर्क फाइंड करना है। साइड इंफॉर्मेशन पेज 120 पर है, फोर्स 100 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, थीटा जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है, पैरेलल कंडीशन है, तो एंगल जो होगा वो दोनों के दरमियान फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी 0 डिग्री होगा। फार्मूला क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फोर्स की वैल्यू 100 है, डिस्प्लेसमेंट 10 है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी, और 0 डिग्री जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, 1 को 1000 से लेके 1000 जाऊंगा। दूसरे केस में जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, cos फार्मूला है डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फोर्स 100, डिस्प्लेसमेंट 10, कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री, और 30 डिग्री जो होता है वो होता है 0.866 के 1000 से, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल 866 जाऊंगा है। इसी तरह इसको मजीद बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल है 6.1 उसको फॉलो करते हैं। उसमें हमें स्टेटमेंट में है, गर्ल कैरीज अ 10 केजी बैग अपस्टेयर टू हाइट ऑफ 18 स्टेप्स, ई 20 सेंटीमीटर हाई, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी द बैग। जी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है, मास एम जो हमें दिया हुआ है बैग का वो है 10 केजी, वर्क है डब्ल्यू, फार्मूला हमारे पास वर्क का क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एच, यहां पर क्योंकि हाइट की बात कर रहे हैं तो एफ मल्टीप्लाई एच बन जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टू कंपोनेंट फोर्स एंड हाइट, वो फोर्स जो होगा वो डब्ल्यू के इक्वल होता है एम जी, क्योंकि कैरी जो उसने बैग किया हुआ है उसको ऊपर उठाने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, जितना किसी बॉडी का वेट होता है उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। एम मास की वैल्यू 10 है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 10 है, तो 100 न्यूटन। हाइट जो हमारे पास आएगी वो आएगी 18 स्टेप्स के लिए, और एक की हाइट 2 सेंटीमीटर थी उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 18 मल्टीप्लाई 0.2 दैट विल बी इक्वल टू 3.6 मीटर बन जाएगा। 18 हाइट जो होगी 3.6, फोर्स की वैल्यू 100 है, हाइट 3.6 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 जाउल आ जाएगा। अब तक हमने जो पढ़ा है वर्क के बारे में पढ़ा है, और इसी तरह इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो एग्जांपल दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप नंबर पर या कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे से पूछ सकते हैं। शुक्रिया।